दोस्तों आइए अनमोल जीवन जीने के लिए कुछ जल्दी जानकारी ले लें, नहीं तो बीमारी में सब पैसा लग जाएगा, तब हम बाद में पछताएंगे। तो चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, रोज चना की सब्जी खाने से कौन पेट की बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि बीमारी से आप लोग छुटकारा पाएं। दोस्तों इसका सही आंसर है चना का सत्तू या चना खाने से पेट की सभी बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए दोस्तों चना का सत्तू या चना जो है वो खूब खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर दो, किसी प्रकार से अगर दर्द है शरीर में तो ज़्यादा क्या खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है अगर आप लोगों को दर्द है या किसी प्रकार से, तो दूध में हल्दी डाल करके थोड़ा सा औंट दें और तब पिए। गांठ गांठ की दर्द और जितनी भी परेशानी है शरीर की वे 1 से 2 दिन में तुरंत मिट जाएगी दोस्तों। सवाल नंबर तीन, खाना खाने के कितना देर बाद पानी पीने से पेट की कोई बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। दोस्तों कभी भी खाना खाने के 30 मिनट के बाद ही पानी पिए। कभी जरूरत पड़ गई खाना खाते वक्त तो 1 से 2 घूंट पी लें, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन गर्म खाना खा करके तुरंत पानी पीने से शरीर में उष्णता पैदा होती है, तो घाव फुसरी होती है। सवाल नंबर चार, मुंह की झाइयाँ दाग धब्बे कैसे तुरंत ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक मिलती रहे और आप बीमारी से बचें। दोस्तों इसका सही आंसर है मुंह में छाई है तो इमली को पानी में भिगो दें और चटनी बनाकर मुंह में लेप करें। इसके बाद में पानी से धो दें, सुसुम पानी से। मुंह काला भी होगा तो वो सुंदर और साफ हो जाएगा। दोस्तों ये अपनाया हुआ नुस्खा है, आपकी त्वचा का निखार हो जाएगा इतना सुंदर, और दाग धब्बे जो है वो बिल्कुल मिट जाएगा दोस्तों, पहले के जैसा मुंह हो जाएगा। सवाल नंबर पाँच, अधिक जिनको नींद लग रही हो उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक तो पहुंचती रहे दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है जीन लगती है ज्यादा, एक पान के पत्ता में 1 लौंग डालकर चबाने से मुंह में नींद नहीं लगेगी और मुंह में जो बास आती होगी वो भी दूर जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई करें।